नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से प्रिया के किचन में। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक नई रेसिपी, ढाबा स्टाइल पनीर की सब्ज़ी। आप इसको कढ़ाई पनीर भी बोल सकते हो। चलो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक। ढाबा स्टाइल पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ के 2 प्याज, 2 टमाटर, 10-12 कलियाँ लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। यहाँ गैस में मैंने पैन रख दिया, इसमें तेल डाल दिया। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें ऐड करूँगी मैं 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 तेज़पत्ता, 4-5 लौंग और 1 टुकड़ा दालचीनी का। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन की कलियाँ और अदरक। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। इसके बाद ऐड करेंगे टमाटर। इसको हम 1 मिनट तक उलट पलटेंगे अच्छे से और इसके बाद हम इसको ढक के लो फ्लेम में 4 से 5 मिनट पका लेंगे। यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं। इसको हम नीचे उतार लेंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद हम इसको डालेंगे मिक्सी के जार में, इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसमें ऐड करूँगी मैं 12-13 काजू। ये मैंने पहले से भिगो के रखे थे। यहाँ पर पेस्ट हमारा तैयार है। यहाँ मैंने लिए थे 2 शिमला मिर्च, 2 प्याज। प्याज और मैंने शिमला मिर्च मैंने इस तरीके से कट कर रखे हैं। और यहाँ पर लिया है मैंने 250 ग्राम पनीर। पनीर के भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। यहाँ मैंने गैस में कढ़ाई रख दिया, इसमें तेल डाल दिया। तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें मैं सबसे पहले शिमला मिर्च फ्राई कर लूँगी। हमें हाफ़ फ्राई करना है, इसको ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पर हाफ़ फ्राई हो चुका है, इसको हम नीचे उतार लेंगे। इसके बाद हम इसमें फ्राई करेंगे प्याज। प्याज को भी हमें हाफ़ फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पर फ्राई हो रहा है हमारा प्याज। प्याज भी हमारा फ्राई हो चुका है, इसको भी हम नीचे उतार लेंगे। और अब इसी तेल में हम डाल देंगे टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हम अच्छे से भून लेंगे जब तक ये तेल छोड़ ना दे। यहाँ पर दोस्तों मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया। इसमें डालूँगी मैं कुछ बेसिक मसाले, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर। यही मसाले डाल रही हूँ मैं, और कोई मसाले यूज नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर हमारा मसाला हो चुका है। इसमें ऐड करूँगी मैं स्वाद अनुसार नमक और इसमें डाल देंगे हम 1 गिलास पानी। पानी डाल के हम इसको 4 से 5 मिनट पका लेंगे। यहाँ पर दोस्तों ग्रेवी को हमारे 5 मिनट हो गए पकते पकते। इसमें ऐड कर दूंगी मैं पनीर और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च और प्याज। इसको अच्छे से मिलाने के बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों ढाबा स्टाइल कढ़ाई पनीर तैयार है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब।